राहुल गांधी ने सोमवार को श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। ये यात्रा 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। वहीं अब राहुल गांधी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं राहुल गांधी ने कश्मीर में हो रही बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया और बहन प्रियंका गांधी के साथ मस्ती मजाक करते हुए नजर आए। गौतम अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि अडानी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ग्रुप ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है। मध्य प्रदेश में रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की, जिसमें उन्होंने 7 जिलों के कलेक्टर्स को बदल दिया। शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को उज्जैन का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को सड़क विकास निगम का MD बनाया गया है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 19 नगरीय निकायों में चुनाव की काउंटिंग पूरी हो गई है। इनमें से 11 पर भाजपा और 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 4 नगर पालिका और 7 नगर परिषद में भाजपा का कब्जा हो गया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ और पिथमपुर में नगर पालिका में जीत दर्ज की है, जबकि 6 नगर परिषद में भी कांग्रेस को जीत मिली है। राजधानी की सबसे बड़ी गौशाला से एक साल में 2131 गाय गायब हो गई। नगर निगम और पशुपालन विभाग का सरकारी रिकॉर्ड तो यही बता रहा है। दरअसल निगम शहर से जो भी गाय पकड़ता है, अधिकांश को भदभदा स्थित जीव दया गौशाला भेज दिया जाता है। गौशाला में जनवरी 2022 में 1961 गाय थी। इसकी पुष्टि खुद विभाग ने की है। बैतूल में भीम सेना संगठन के जिला सचिव ने रविवार रात फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत बैतूल बाजार पुलिस से की गई। फिलहाल पुलिस को मौके पर कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बंदूक से फायरिंग करने की वजह जुआ चलाने की मुखबिरी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में ठंड के मौसम के बीच कुछ कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान भोपाल, ग्वालियर, चंबल समेत प्रदेश के 16 जिलों में बरसात होने की संभावना है। इससे पहले ग्वालियर में 2 दिन बाद रविवार को बारिश हुई। इंदौर में भी देर रात कहीं कहीं पानी गिरा। दक्षिण अफ्रीका में रविवार रात खेले गए ICC वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को टीम इंडिया ने जीत लिया। रविवार को खेले गए फाइनल में भारत की बेटियों ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। मैच में MP की बेटी सौम्या तिवारी ने विनिंग पारी खेली। उन्होंने 37 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए। जीत के बाद भोपाल में घर पर मैच देख रहे उनके माता पिता और बहन साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर कैलाश खेर पर रविवार को कर्नाटक में एक कॉन्सर्ट के दौरान हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना हम्पी फेस्टिवल में हुई, जो 27 जनवरी को शुरू हुआ था। इस कॉन्सर्ट में एक शख्स ने कैलाश पर बोतल फेंकी है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत ही कैलाश पर बोतल फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सुपरस्टार शाहरुख खान ने रविवार 29 जनवरी को अपने बंगले मन्नत की बालकनी में आकर अपने फैंस को सरप्राइज दे दिया। ये शाहरुख की पठान की रिलीज के बाद से पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। इस दौरान वो सिर झुकाकर फैंस को थैंक यू बोलते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने अपने सिग्नेचर पोज में फैंस का दिल खुश कर दिया।